दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक पिनहोल कैमरा कैसे काम करता है और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है एक जूते का डब्बा, एक सीजर और टेप, एक स्केल और पेंसिल और बटर पेपर या वैक्स पेपर। ये सब सामग्री आपको अपने घर पर आराम से मिल सकती है। पहला चरण है डब्बे में प्रकाश आने के लिए एक छेद करना। इसके लिए डब्बे की सबसे छोटी साइड के बीच में एक एक्स मार्क कर ले, फिर पेंसिल घुसाकर उस एक्स पर एक छोटा छेद कर दे। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से करना जरूरी है। छेद ना तो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। छेद ज्यादा बड़ा हुआ तो इमेज धुंधली आएगी और ज्यादा छोटा हुआ तो इमेज ब्राइट नहीं होगी। हमारा अगला स्टेप है एक स्क्वायर शेप का स्क्रीन बनाना। इसके लिए छेद के उल्टी साइड पर एक स्क्वायर बना ले, फिर उस स्क्वायर को कैंची से काट दे। ध्यान रखें कि स्क्वायर ज्यादा छोटा ना हो। अगर स्क्वायर ज्यादा छोटा हुआ तो इमेज पूरी नहीं बन पाएगी। हमारा अगला स्टेप है पिनहोल कैमरा की स्क्रीन बनाना। अब बटर शीट का पीस काट लें। ध्यान रखें कि यह पीस स्क्वायर छेद से बड़ा होना चाहिए। अब इसे काटे हुए स्क्वायर के ऊपर टेप से चिपका दें। आपका पिनहोल कैमरा अब तैयार है। अब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे पिन होल के सामने रखें। अगर तस्वीर ठीक से ना दिखे तो थोड़े अंधेरे कमरे में जाएं और केवल ऑब्जेक्ट पर लाइट डालें। यह कुछ उदाहरण है कि कैमरा में ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे। ध्यान से देखिए कैसे तस्वीर दो दिशाओं में उल्टी हुई है। आइए जानते हैं अब ये कैमरा काम कैसे करता है। हम यह भी जानेंगे कि क्यों तस्वीर दो दिशाओं में उल्टी हो रही है। पहले ये जानते हैं कि साधारण स्क्रीन पर तस्वीर क्यों नहीं बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन के हर एक पॉइंट पर बहुत सारी जगह से रोशनी पड़ती है। जैसे कि यह नीले पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट से तस्वीर आ रही है। इसके कारण इस पॉइंट पर कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनता है। अब जानते हैं पिनहोल लगाने से एक शार्प इमेज क्यों प्राप्त होती है। लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, इसलिए स्क्रीन के एक पॉइंट पर केवल कुछ छोटे से हिस्से से ही लाइट आती है। उस छोटे हिस्से की तस्वीर उस पॉइंट पर बन जाती है। उदाहरण के लिए इस नीले पॉइंट पर केवल इतनी जगह से ही तस्वीर बन सकती है। जो भी प्रकाश की किरणें बाकी सब जगह से आ रही हैं, वो सब किरणें इस काली स्क्रीन से ब्लॉक हो जाती हैं। अब जानते हैं कि यह तस्वीर उल्टी क्यों बनती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हिस्सा नीचे होता है उसकी प्रकाश की किरणें ऊपर को ट्रैवल करती हैं। इस कारण उस हिस्से की तस्वीर ऊपर बनती है और जो भी हिस्सा ऊपर होता है उसकी किरणें छेद से गुजरने के लिए नीचे को ट्रैवल करती हैं। इस कारण उसकी इमेज नीचे बनती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि तस्वीर दाएं और बाएं दिशा में भी उल्टी क्यों हो जाती है। धन्यवाद।